जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू बेणु गोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गहल बा। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 6। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघा। ओम। गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के गुण त्रय विभाग योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत बाड़न की ई तीनों गुण है, सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। अही में से सत्य गुण बाकी गुणन से अधिक शुद्ध होला। सत्य गुण हमनी के चीजन के असली प्रकृति के ज्ञान देला। ई रोशनी और भलाई से भरल बा, बीमारी से मुक्त बा। हालांकि सत्य गुण भोग और ज्ञान से लगाव पैदा के आत्मा के वाहन देला। सत्य गुण ज्ञान प्राप्ति और सुख प्राप्ति के हमेशा पैदा करेला। वो ज्ञान और वो सुख के प्राप्ति खातिर आत्मा जरूरी काम में लागल रहला, चाहे वो संसारिक होके वैदिक। तब ई कामना के फल के भोग करे खातिर आत्मा बार बार जन्म लेत बा। ऐसी तरह से सत्य गुण भी आत्मा के बहनेला। एकरा के समझा के श्री कृष्ण परमात्मा हमनी के दिखा रहल बाड़े कि सत्य गुण हमनी के कैसे बहनेला, भले उ शुद्ध होके। ऐसी से सत्य गुण से बिना बहनले ओकर विकास के चक्कर में हमनी के अपन सब कर्म ही श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के सेवा के रूप में करी जा और श्रीमन नारायण के हाथ में साधना के रूप में काम करी जा। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण के प्राप्त के उद्देश्य से अपन शरीर के प्रयोग शुरू करी जा, श्रीमन नारायण के समर्पण करी जा और श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे के कोशिश करी जा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65-70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के अपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबके कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास वा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले, कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले,
और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनम। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गहलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित वा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करे का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजाबा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघा। ओम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होयला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।